हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होने वाले वो रहीम दास जी से रिलेटेड होने वाले। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रहीम दास, तुलसीदास, कबीर दास, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो रहीम दास जी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रहीम दास जी से रिलेटेड, काफ़ी दिन हो गया है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन मैंने मिक्स करके आप लोगों तक प्रोवाइड किए हैं इस वीडियो में, कुछ रिपीट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे वो दोबारा से रिपीट हो जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो रिपीट हो जाएगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में रहीम दास जी किस काल के निम्न में से रहीम दास जी किस काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको एक मिल जाएगा, वर्तमान काल, बी नंबर आदिकाल, सी नंबर है रीतकाल, डी नंबर भक्तिकाल। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर भक्तिकाल। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से रहीम दास जी किस काल के माने जाते हैं, या रहीम दास इनमें से किस काल से संबंधित हैं, या किस काल के कवि हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, भक्तिकाल, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रहीम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन एक है गुलजार, बी नंबर अब्दुल रहीम खान खाना, सी नंबर जगमोहन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर शायद आप सभी को मालूम ही होगा कि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में रहीम के मित्र कौन थे? नंबर एक केशवदास, बी नंबर है कबीरदास, सी नंबर जायसी और डी नंबर तुलसीदास। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। इनमें से जो रहीम दास के मित्र थे वो हैं तुलसीदास जी थे, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रहीम दास जी किस प्रकार के कवि थे? ऑप्शन ए के बोध परक, बोधक परक, बी नंबर है ज्ञान परक, सी नंबर काव्य परक और डी नंबर नीति परक। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रहीम दास जी नीत परक प्रकार के कवि थे, ओके। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से नगर शोभा किसकी रचना है? नंबर एक घनानंद, बी नंबर पद्माकर, सी नंबर तुलसी और डी नंबर है रहीम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से नगर शोभा किसकी रचना है? रहीम दास जी की। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, या पहले से वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साइड में होगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा, वीडियो को आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट व्हाट्सअप ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक पर अपने, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएँ वहाँ पर शेयर करिए, जिससे आपके वजह से किसी स्टूडेंट के हेल्प मिल पाए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती, तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है, वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रहीम दास को खान खाना की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए के शाहजहाँ, बी नंबर आलम, सी नंबर अकबर, डी नंबर है बीरबल। तो रहीम दास जी को जो खान खाना की उपाधि मिली है वो अकबर जी से मिली है, अकबर जी ने दी, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इनमें से रहीम के पिता कौन से शहंशाह के संरक्षक थे? नंबर एक बाबर, बी नंबर शेरशाह सूरी, सी नंबर शाहजहां और डी नंबर अकबर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रहीम दास जी, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के यहाँ संरक्षक थे। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रहीम जी की कौन सी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें नवरत्नों में स्थान दिया था? नंबर एक तुलना की, बी नंबर सोचने की, सी नंबर ज्ञान की और डी नंबर तर्क की। तो रहीम दास जी को इन्हें नवरत्नों में स्थान दिया गया है, किस लिए? क्योंकि इनके पास ज्ञान से प्रभावित होकर दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति
का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये पंक्ति, ये दोहा आप लोगों को जर्नली है, आई होप आप सभी को याद ही होगा क्योंकि ये आप 10th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके जो पंक्तिकार हैं या जिन्होंने इसे लिखा है उनके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि इन अवसरों में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर रहीमदास, बी नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये है कि निम्न में रहीम की कौन सी कृति अप्रप्याय है। ठीक है, अप्रप्याय है। तो ऑप्शन है कि बैरवे, और बी नंबर है मदनाष्टक, और सी नंबर है संगासोठा, सी नंबर है राजपंचाध्यायी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर है, राजपंचाध्यायी। ठीक है, डी नंबर। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस मेहनत के साथ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आप तक प्रोवाइड करता हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, तो प्लीज़ आपके हेल्प के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो मैं लास्ट में क्वेश्चन बताऊँ वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए, और बाद में आप बोलें सर जो आपने बताया था उसमें तो आया ही नहीं, आए कहाँ से भाई जब आपने पूरी वीडियो देखी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो देखिएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा। क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास किससे प्रभावित होकर साहित्य की ओर झुके। नंबर एक है पिता, बी नंबर बहन, सी नंबर भाई, और डी नंबर है पुत्र। तो रहीमदास जी साहित्य के ओर झुके थे, क्योंकि किस लिए झुके थे, क्योंकि वो पिता, ठीक है, पिता जिससे प्रभावित होकर वो इस क्षेत्र में आए थे, साहित्य क्षेत्र में। ठीक है, राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ए नंबर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रहीमदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। थोड़ा यहाँ पे मिस टाइप हुआ, का नहीं लिखा मैंने। रहीमदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे काशी, आगरा, ग्वालियर, लाहौर। तो इस क्वेश्चनों, इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रहीमदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था, डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकबर ने किस कवि को प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए के कुमार, भूषण, केशव, रहीम। तो राइट आंसर रहीमदास, डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कि रहीमदास जी की माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए के हुलसी, बी नंबर सुल्तान बेगम, और सी नंबर है प्रेमा, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो रहीमदास जी की जो माता का नाम था वो था सुल्तान बेगम। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैरवे के अब तक कितने छंद मिले हैं। बैरवे रहीमदास जी की, ऐसा कह सकते हैं आप, कृति है या रचना है। ठीक है, उसमें अब तक कितने छंद मिले हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 150, 1260, 700 और 105। तो बैरवे में अभी तक जो छंद मिले हैं वो 105 मिले हैं, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, रहीम ने अपनी नीति परक रचना ज़्यादातर कौन से छंद में की हैं। ऑप्शन एक है बैरवे में, बी नंबर है सोरठा में, और सी नंबर है चौपाई में, और डी नंबर है दोहा में। तो रहीम जी ने अपनी नीत परक रचना ज़्यादातर दोहा में की है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोहा छंद में, राइट आंसर डी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सीरीज में कि रहीमदास की सूक्तियों पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए के कबीर, बी नंबर खुसरो, डी नंबर सी नंबर है देव, और डी नंबर है जायसी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, रहीमदास जी की सूक्तियों पर कबीरदास का प्रभाव परिलक्षित होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रहीमदास जी कृति संगार सोठा में अब तक कितने छंद मिले हैं। रहीमदास जी की कृति संगार सोठा में अब तक कितने छंद मिले हैं। ऑप्शन एक 8, बी नंबर 6, और सी नंबर 12, और डी नंबर 4। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी काव्य जगत में बैरवे छंद का जनक किसको
माना जाता है। ऑप्शन ए के रहीमदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर पद्माकर और डी नंबर है बिहारी दास। तो राइट आंसर आपको मालूम ही हो गया होगा कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, रहीमदास जी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि रहीमदास के पिताजी के गुजरने के बाद किसने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर लिया था। ऑप्शन ए है अकबर, बी नंबर हुमायूं, सी नंबर बाबर और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा रहीमदास जी के पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, यानी कि देहांत होने के बाद उनकी जो रहीमदास जी की शिक्षा दीक्षा की जो पूरा दायित्व है, जो पूरा भार है, वो अकबर ने अपने ऊपर लिया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, और हो सके तो आप इसके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से रहीमदास जी जीवन सॉरी किस कारण से रहीमदास जी का जीवन कष्टकारी हुआ था। थोड़ा टाइप करने में कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं, फिलहाल मैं बता देता हूं आप लोगों को कि होना क्या चाहिए क्वेश्चन एक्चुअली में। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अंधेपन के कारण से, बी नंबर बीमार होने के कारण से, सी नंबर विकलांग होने के कारण, डी नंबर नज़रबंद होने के कारण। तो रहीमदास जी का जो जीवन है वो कष्टकारी हुआ था क्योंकि नज़रबंद होने के कारण। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रहीमदास जी का तदात्मय ठीक है, भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से किससे अधिक मिलता जुलता है। तो रहीमदास जी का जो तदात्मय भाषा और भाव है दोनों की दृष्टि से अधिक जो मिलता जुलता है वो मिलता जुलता है तुलसीदास जी से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है रहीमदास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन एक है आपको मिल जाएगा, क्या ऑप्शन है देख लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन एक है आप लोगों को 1800, बी नंबर 1770 और सी नंबर 1630 और डी नंबर है 1556। तो कबीरदास जी का जन्म 1556 में हुआ था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रहीम के पिता का क्या नाम था। नंबर एक अकबर, बी नंबर बीरबल, सी नंबर शाहजहां और डी नंबर बैरम खां। तो राइट आंसर आप लोगों को मैं बता दूं, बैरम खां के पिता सॉरी रहीमदास जी के पिता का नाम था बैरम खां, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्न में से रहीम किसके उपासक थे। नंबर एक है श्री कृष्ण के, बी नंबर श्री राम के और सी नंबर बुद्ध के, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो रहीमदास जी थे वो श्री कृष्ण जी के उपासक थे क्योंकि वो श्री कृष्ण जी से रिलेटेड ज़्यादा अपनी कृतियाँ रचना ठीक है वो ज़्यादा इन्हीं के बारे में लिखते थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, श्री कृष्ण के। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था। ऑप्शन एक है देव, बी नंबर नंददास, सी नंबर रहीमदास, डी नंबर खुसरो। तो जो अकबर का दरबारी कवि था वो था रहीमदास जी थे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अकबर के दरबारी कवि कौन थे, तो वहाँ पर आंसर जो आता है रहीमदास आता है, तो आप इसे माइंड में सेट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि संगा सोरठा किसकी कृति है। नंबर एक कबीरदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर तुलसीदास, डी नंबर केशवदास। तो संगा जो सोरठा है वो रहीमदास जी की कृति है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि रहीमदास जी का देहांत या उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। ठीक है, टाइप वोट करने में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा देहांत। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, देहांत या उनकी मृत्यु या देहावसान किस सन में हुआ था, यहाँ पर आप ये जन्म हटा दीजिएगा। तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 1627, बी नंबर है 1780 और सी नंबर है 1800 और डी नंबर है 1766। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
जो हमारे रहीमदास जी की जो देहांत हुआ था वो 1627 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि रहीमदास जी किसके लिए अधिक प्रसिद्ध थे? नंबर एक दान देने के लिए, बी नंबर पूजा करने के लिए, सी नंबर सत्य बोलने के लिए, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। तो जो रहीमदास जी थे वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थे वो दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, दान देने के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक ये है कि रहीम सतसई किसकी कृति है? ऑप्शन ए के दुलाह, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर देव और डी नंबर है सेनापति। तो रहीम सतसई जो कृति है वो रहीमदास जी की है, आप लोगों को राइट आंसर मालूम ही हो गया होगा, बी नंबर रहीमदास। ओके, अब दोस्तों आज की इस वीडियो में बस रहीमदास जी के इतने क्वेश्चन। रहीमदास जी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे जो कि मैंने वेबसाइट पे डाल दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है जो कि आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, ठीक है, sandeepinfo.com। उस पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे वहाँ पर कभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करिएगा एक बार। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो उस पर भी आप कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी करेंगे तो उसका हम रिप्लाई देते हैं, और डेली हम एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड करते हैं उस पर भी। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका भी मॉडल पेपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए जिससे आपको अच्छे से सफलता मिले, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।